फिरोजाबाद के थाना रजाबली के क्षेत्र गांव रामगढ़ में रंजिश के चलते दबंगों ने पिता पुत्र को लाठी डंडे से पीट पीट कर किया लहूलुहान। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मामला है बुधवार की दोपहर, गांव रामगढ़ में स्कूल संचालक को घर के बाहर नशेबाजी का विरोध करना महंगा पड़ गया। आरोप है गांव के दबंगों लोगों ने स्कूल संचालक राकेश और उसके बेटे विष्णु को घर में घुसकर लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिससे पिता पुत्र लहूलुहान हुए हैं। आरोप है दो दिन पूर्व में घर के बाहर नशेबाजी करने का विरोध किया था, जिसकी रंजिश को लेकर मारपीट की है। मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने थाना रजाबली में शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस ने घायलों का जिला अस्पताल में मेडिकल कराकर जांच शुरू कर दी है। मेरा लड़का ये नीट की तैयारी कर रहा है, आगरा, ये आगरा जा रहा था, तो इसने मुझे रास्ते में इसको घेर लिया। इसने मुझे बताया पापा मुझे घुमा रहा रास्ते में, किसने, गाँव के लोग हैं, चलो मैं देखता हूँ। मैंने पूछा घर पर जाकर क्यों मारा है, कि अच्छा तू आया है, तुझे मारे मेरे लिए लाठी डंडों से और फावड़ा लिया है वो, उसे मेरी ये पूरे परिवार को मारा। कौन लोग, कौन से गांव की बात है? रामगढ़ गांव की लोग, रामगढ़। किस बात को लेकर ये घटना? कुछ बात नहीं है, मैं तो यही नहीं मालूम पड़ी क्या बात है। दबंग लोग हैं वो, ऐसे ही आए थे शराब पीना। अच्छा तुम क्या काम कर रहे हो? मैं स्कूल चलाता हूँ। क्या नाम है स्कूल? कोई पहले की रंजिश वगैरह कोई किसी तरह की? नहीं नहीं है? कोई तो किसी बात को तो होगा ना, वो यही बात है। एक दिन पहले हमारे गांव के सामने एक धर्मशाला है, वहाँ पर ये ऐसे तत्व आ जाते हैं आए दिन, रात में सिगरेट पीना, तम्बाकू खाना और शराब पीना। हमने मना किया, भैया यहाँ पर हमारी बहन बेटियाँ रहती हैं, गाली देना। मैंने ऐसा मत किया करो कि नहीं हम तो यहीं करेंगे। तो उसी रंजिश को लेकर उसी रंजिश को, बस इतनी सी बात है।